हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई डियर अध्यापक। और आज इस वीडियो में बात करेंगे पंचायत सचिव शिक्षक नियुक्ति TGT या फिर JTET JSSC परीक्षा नियमावली सभी का क्या अपडेट है, साथ ही झारखंड नियोजन नीति का क्या अपडेट है आपको डिटेल में पता चलेगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो में बने रहेंगे अंत तक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह अम्बा प्रसाद जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था जो कि 27 जुलाई को ही और 28 जुलाई को जो कैबिनेट बैठक रखी गई थी इस पर कहा जा रहा था कि कुछ छात्रों के लिए अहम निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन फिर से 28 जुलाई को भी कोई अहम निर्णय नहीं लिया गया और छात्रों को फिर से निराशा देखने को मिली। इसी के साथ अब आश्वस्त किया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक से पूर्व हाईस्कूल शिक्षकों पंचायत सचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने, साथ ही पारा शिक्षकों की मांगों को लेकर माननीय श्री डॉक्टर रमेश्वर उराव, साथ ही आलमगीर आलम और इन्हीं के साथ बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता जी से वार्ता व मिलकर कैबिनेट से निर्णय कराने का अनुरोध की थी, जो कि अम्बा प्रसाद जी का कहना है। साथ ही उन्हें प्रेस मीडिया या फिर सोशल मीडिया पे उनका आप वीडियो देखे होंगे, वो लगातार ये प्रयास कर रही है। कल का भी वीडियो में उन्होंने कहा है कि हम पंचायत सचिव से लेकर हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति पर पूरा ध्यान दिए हैं और अगली जो बैठक होगी जो कि 30/7/2021 को की जाएगी, इस पर ज़रूर इन मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा कि आखिर हमें छात्रों को और कब तक इस तरह रखना है, हमें भी आगे जवाब देनी पड़ती है। साथ ही यह तो बात हो गई, अब पेंडिंग रिजल्ट व पेंडिंग नियुक्ति का क्या अपडेट है आपको कुछ देर में पता चलेगा। साथ ही आप यह देख सकते हैं, आपने पहले भी देखा होगा क्योंकि यह सोशल मीडिया पर हमेशा सर्कुलेट हो रहा है। कुछ दिन पहले से ही मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से यह चर्चा टिप्पणी निकाली गई थी, साथ ही यह 26/7/2021 को ही यह पब्लिश किया गया था, जो कि 30/7/2021 यानी कि कल की कैबिनेट बैठक में इन बिंदुओं पर समीक्षा की जा सकती है, जो कि पहला दिया गया है शिक्षक नियुक्ति नियमावली। इसी के साथ आदर्श विद्यालय की स्थापना, आकांक्षा योजना के बेहतर क्रियान्वयन की कार्य योजना, इसी के साथ झारखंड को कोचिंग हब बनाने में फिजिबिलिटी, इस तरह की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में इन बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ हम बात करते हैं झारखंड के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं या फिर पेंडिंग नियुक्तियां हैं इस पर, तो खाली पदों को भरने में लग सकती है मोहर, इस तरह की बातें हमें 28/7/2021 कैबिनेट बैठक से पहले ही बताई गई थी, लेकिन 28/7/2021 के कैबिनेट बैठक में भी हमें फिर से निराशा मिली थी और झारखंड के छात्रों के लिए कुछ निर्णय नहीं लिया गया था। लेकिन अब फिर से हम उम्मीद लगा रहे हैं कि 30/7/2021 को जो कैबिनेट बैठक की जाएगी इस पर छात्रों को लेकर कुछ अहम फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इस पर शिक्षक नियुक्ति नियमावली की बात आई है, पारा शिक्षकों की बात आई है, तो इस पर झारखंड के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं या फिर पेंडिंग नियुक्तियाँ हैं इस पर भी कुछ अपडेट निकल के आएंगे, क्योंकि झारखंड नियोजन नीति का जो डेट है फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बढ़ा दिया गया है। तो सरकार यहाँ ज़रूर चाहेगी कि इस पर कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि छात्र अब हद से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और ये काफ़ी लंबे समय से वेट ही कर रहे हैं। तो अब इस पर देखना यह है कि झारखंड सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार इसकी जो सुनवाई की डेट है वो बढ़ाई जा रही है, और आपको पता है आप आज से नहीं कितना दिन से वेट कर रहे हैं, और हमें भी पता है हम बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। तो इस पर सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं 30/7/2021 के कैबिनेट बैठक में वह क्या निर्णय लेती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कुछ अपडेट निकल के आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, आप चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।